The Lallan Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सोशल मीडिया के दौर में परिवार नाम की संस्था का मनोविज्ञान टटोलने पर ये बात सामने आई है कि व्हाट्सएप का आपसी रिश्तों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने आप में एक टर्म चल पड़ा जहां हर मुद्दे पर फेक न्यूज़ से सना ज्ञान फॉरवर्ड होता है। यहां आपको अर्थव्यवस्था से लेकर इतिहास तक सब पर ऑल्टरनेटिव ज्ञान मिल जाएगा। परिवार की पुरानी पीढ़ी अक्सर इस पर विश्वास कर लेती है, दूसरी पीढ़ी कहती है कि ये सूचना गलत या भ्रामक है। ये पीढ़ीगत संघर्ष शुरू है। इसकी गवाही दी बांकीपुर विधानसभा में दो लड़कों ने। टीम गंगा के हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी के साथ इन भ्रामक सूचनाओं पर पिता के साथ बदल रहे संबंधों और नेहरू को लेकर फैलने वाली अफवाहों पर बातचीत हुई। बेसिकली फादर्स और ग्रैंडफादर्स अब मेनली व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही डिपेंडेंट है, मतलब व्हाट्सएप पे अलग ही पैरेलल इकोनॉमी और हिस्ट्री चल रहा है इंडिया का। तो वो और मतलब होर्डिंग्स वगैरह बेसिकली पापा मतलब फादर के एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए हम लोग को नहीं, हम लोग को ग्राउंड रियलिटी पता है। हम लोग के एज का जो आदमी वोट देगा उसको पता है कि वो क्या चीज़ के लिए वोट दे रहा है, आइदर फॉर एजुकेशन और जॉब या फिर सो कॉल्ड लव जिहाद और जो भी बाकी का एजेंडा है उसके लिए। तो उसमें क्लैरिटी रहता हम लोग के जनरेशन में। हम लोग बहुत बहुत घर में पापा को समझाते समझाते पागल हो जाते हैं, यही सब बोलते रहते हैं। बस कि देखो आज ये आया आज वो आया, बहुत सारा चीज़। नेहरू सबसे ज़्यादा विक्टिम है, ऑल दो बिल्कुल जैसे वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे या उनका सूट पेरिस ढूंढने जाता था, उनके पांच बच्चे हैं इस टाइप। एक्चुअली अब ये मेन स्ट्रीम हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होता इससे, प्रॉब्लम यही है। हम तो यूज्ड टू हो गए इस चीज़ के, मतलब पापा मम्मी जो भी बोलते कि देखो आज ये आया व्हाट्सएप पे, मतलब फॉरवर्ड करते हैं, बहुत सारा फॉरवर्ड भेजते रहते हैं। हम पापा को समझाते समझाते थक गए कि ये सब फेक है, मत मानिए सबको। ऐसी बात जो बताई पापा ने आपको समझाया, बस सब नेहरू जिम्मेदार है ये सब। हर एक बार में नेहरू कांग्रेस 70 साल से क्या किया है, मतलब बेसिकली यही बोलते रहते हैं। तो इनको भी 70 साल मौका देंगे, फिर कोई 70 साल के बाद आएगा फिर बोलेंगे बीजेपी क्या किया। ये तो चलते रहेगा, ये तो कंटिन्यूस चलते रहेगा। आपने 6 साल से क्या किया उसका तो बताइए, उसका तो ब्यौरा दीजिए। बस इसी बात पे बहस हो जाती है मेरे पापा में, बस ये चल बिल्कुल होती है पॉलिटिकल, बिल्कुल हम लोग करते रहते बहस। जब देखते कि पापा ज़्यादा एग्रेसिव हो गए तो हम अपने निकल जाते हैं, क्या करेंगे फिर, बस बिल्कुल। मम्मी भी बस अभी शायद मीडिया चक्रवर्ती का था, मतलब पूरा 1 घंटा से हम सुनते ही आ रहे थे, फिर क्या करें हम हट जाएं, उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनको पता है कि वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पूरा प्रभावित है, तो कोई फायदा नहीं है। तो मम्मी अपने मन से वोट देते हैं कि पापा कहने पे देते हैं? सब अपने मन ही से देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मन से देते हैं। पर थोड़ा इन्फ्लुएंस तो होता ही है घर पे, कभी मम्मी से बात होती है राजनीतिक या चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर? बहुत कम होती है, बेसिकली पापा से होती है, पापा से होती है, हाँ काफ़ी पापा से बहस हो जाती है। हाँ बिल्कुल बहस होती है, वो हर एक बार होना ही है। जीतते पापा हैं बिल्कुल, वो जितना उनका फर्जी है वो बोलते हैं हम ही जीतेंगे, छोड़ते नहीं है, जब तक जीत नहीं जाए तो हम भी छोड़ देते भाई। यही है व्हाट्सएप की महिमा। दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बिहार चुनाव में तीसरे मोर्चे में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से सौरभ द्विवेदी ने बात की। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव किस तरह जेल में रहते हुए अपनी पार्टी चला रहे हैं, देखिए। कहाँ फंसा मामला, हमसे बहुत लोगों ने पूछा, हम लोग तो पूरी टीमें लल्लन टॉप की ग्राउंड पर घूम रही हैं कि गठबंधन में थे, चुनाव की तैयारी चल रही थी, सिर्फ मुख्यमंत्री की दावेदारी पर मामला फंसा। कई लोगों ने कहा कि डिप्टी सीएम, कई लोगों ने कहा कि सीटों की संख्या। तो पब्लिक को एक बार फॉर वंस एंड ऑल बता ही दीजिए कि बातचीत टूटी किस पॉइंट पर आकर। देखिए लोग जानते हैं, हमने उस वक्त ही कहा था और अंदर जो गठबंधन के लीडर्स थे उनके बीच विमर्श जब चलता था उस वक्त भी हम बोलते थे यह बात, और पब्लिक डोमेन में यह बात है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बोलते थे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी बोलते थे कि तेजस्वी का लीडर सिर्फ अभी हम लोगों ने कबूल नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, इस पर बैठकर विमर्श करेंगे फिर तय करेंगे। जितना मांझी जी चले गए उनकी ओर से भी यह बात कही जाती थी। कुल मिला जुला कर हम लोग यही चाहते थे कि वहाँ लीडर कोई दूसरा हो, राष्ट्रीय जनता दल के लीडरशिप में और ख़ास करके लालू जी के परिवार का कोई लीडर होगा तो फिर 15 साल का जो उनका शासन था लोगों के जहन में वह बात
आ जाएगी और ऐसी परिस्थिति में लोग उनके साथ नहीं जाना चाहेंगे, उस गठबंधन के साथ नहीं आना चाहेंगे। तो कोशिश हमने की लीडरशिप, लोगों को लग रहा था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है आप लोगों के अलायंस में और वो नेता से अपना दावा छोड़ देती। हमने यह भी नहीं कहा कि नेता से दावा छोड़ दीजिए, लेकिन हमने कहा कि मिनिमम लालू जी के परिवार से तो बाहर आ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी थी, स्वाभाविक रूप से उसका दावा बनता था, तो एक कदम हम और आगे बढ़ सकते थे। और अंदर हमने कहा कि ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल अपना कोई और लीडर लाए ना, लालू जी के परिवार से कम बाहर आवे, तब लोगों का भरोसा होगा। और ये बात आपने सीधे तेजस्वी यादव को कह दी या निश्चित या वार्ताकारों के जरिए? नहीं, किसी के जरिए नहीं, वार्ता का तो कोई इस तरह का अवसर ही नहीं लोगों ने बनाया। एक मेज पर नहीं बैठे आप, एक मेज पर बैठने की बात मांझी जी करते करते चले गए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं हुआ। कांग्रेस के लोग उन लोगों ने ही बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि आरजेडी के लोगों को और खास करके तेजस्वी को लगता था कि जब बैठेंगे मेज पर तो फिर कहीं ना कहीं उनका मामला फंस जाएगा, इसलिए बैठने ही से भागते रहे। अंत में जब बैठने ही से भागते रहे तो स्थिति बनी। जब आपने गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया तब भी आरजेडी की तरफ से कोई फीलर नहीं आए? नहीं, आरजेडी की ओर से आया कुछ लोगों ने, लेकिन आरजेडी में किसी और की ओर से कुछ आवे उसका कोई अर्थ आदि भी नहीं है। वहाँ सिंगल मैन चलता है, लालू जी चलाते हैं जेल से और फिर यहाँ बाहर में तेजस्वी यादव, और तीसरा किसी का अर्थ कुछ है ही नहीं आरजेडी में। जब आप इस अलायंस में आए थे तब आपकी किससे बातचीत हुई थी, लालू यादव से? हाँ बिल्कुल, लालू जी से बात हुई थी। आप कह सकते हैं कि जेल में थे फिर भी कैसे बात हुई, तो बात हुई। अब कैसे बात हुई लालू जी से पूछ लीजिए, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ मेरी लालू जी से। और तब क्या पॉलिटिकल प्रॉमिस थे अलायंस के लिए? नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रॉमिस का मामला नहीं था। सीटों को लेकर लोकसभा चुनाव में सीट का ऐसा नहीं, कोई विधानसभा जो आने वाला विधानसभा था उस पर हमने कोई बात की हो ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोकसभा में और वहाँ जो इशू था उसको लेकर बात थी, बस यही था। तो लोकसभा चुनाव के बाद आप लालू यादव के संपर्क में नहीं रहे? लालू जी के संपर्क में दूरभाष पर निश्चित रूप से कभी कभी बात हमारी होती थी, लेकिन लालू जी फिर कोरोना का जो खास करके संकट आया तो उस वक्त बहुत कम्युनिकेशन भी नहीं बन पा रहा था। और पहले कोरोना के पहले तो आदमी जाकर मिल भी लेता था, लेकिन कोरोना का प्रोटोकॉल ऐसा हुआ झारखंड सरकार का कि मिलना भी संभव नहीं, वहाँ कोई ऑफिशियल जाए तो मिलने की गुंजाइश नहीं थी। अब जाकर के 14 दिन वहाँ क्वारंटीन हुई है फिर मिलिए लालू जी से, तो व्यवहारिक दृष्टि से कैसे संभव होता, तो यही था। मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ में टीम कोसी की हमारी साथी स्वाति ने एक महिला को रोका तो उसने पेट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये त्रासदी देखिए। आप लोग कहाँ जा रही है? मेला नहीं गेला? मेला पाइए ना, तो मेला देवे कथी लख लियोन पाए तब मेला देखे ला। भूखे मोड़े छी या भूखले छी अखन तक? अखन तक बासी में छी तो कथी खेबे? मोड़े अभी तक बासी मुंह है, सुबह से कुछ नहीं कुछ खाया? नहीं। अच्छा, 1 बज गया इसलिए मेला देखने नहीं गई? पाइए नहीं आ तो कहाँ, जब पैसे नहीं है इसलिए मेला देखने? हाँ तो की लगा जाए, देखियो हाथ को छू छी पाई दुआरे है, पेट में भूख छी, दर्शन कर भूख लो वह भगवती माई के दर्शन कर वासियों में है भूख लो, हुनका चरण पर गिरब से सरकार हमारा गरीब ताई दूर करू, एहन अमेले दिया से हमारा सबके गरीब दूर भ जाए से दियो। पता है सब कौन है? 2 बार गेलिए। प्रणाम। प्रणाम। वो कह रही हैं कि उनके पेट में खाना नहीं है, अभी तक 1 बज गया है, सुबह से बासी मुंह है तो मेला देखने क्या जाएं, हाथ पे पैसा नहीं है, तो वो कह रहे हैं जाइए देवी माँ के दर्शन कीजिए, अच्छा MLA मिलेगा, देवी माँ ही सुनेंगी, तब काम धंधा होगा, कुछ हाथ में पैसा आएगा। बलि राजगढ़। आप लोग कहाँ जा रहे? तब इमे किमर कत जाती रही है? मेहमान करी आते ला जाती है, मेहमान जा रहा है गांव तक अरियाते। अच्छा, इनका दामाद जा रहा है, उसको अरियातने जा रही है, छोड़ने जा रही है, इतना का तो सब बस चले छे कि टेम्पू चले? टेम्पू से जाए जाती। अच्छा, तो ओकरा अरियाते जाए छे, उसको छोड़ने जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको आस्था और भूख का भी एक द्वंद दिखा होगा, यही लोक चेतना है, यही हमारी असली जनता है जिस तक चुनावों का शोर नहीं पहुंचता है। दी ललन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट्स को आप लगातार हमारे YouTube चैनल और Facebook पर देख सकते हैं। पहले चरण का चुनाव कल यानी 28 अक्टूबर को होना है, इस दिन हमारी टीमों से आपको मिलना हो तो उनका पता भी आपको बता देते हैं।
टीम हीरा होगी पटना में, टीम गंगा होगी वैशाली में, टीम सोन होगी सीवान में और टीम कोसी होगी सहरसा में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।